मैं लगातार बोल रही हूँ, हर जगह बोल रही हूँ, जो हमारे प्रतिनिधि भोपाल पहुँचे हुए हैं, एक बार वे मंत्री जी से मुलाकात करने की गुजारिश कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं कि एक बार वो मिल रहे हैं। हो सकता है इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय आपको पता ही है, 24 घंटे का हमें समय दिया गया है, तो अभी भी हमारे पास 24 घंटे का समय है। तो अगर अभी भी हमारी मांगे को लेकर सरकार हमसे बातचीत या कुछ कन्वर्सेशन करना चाहती है, तो हम बहुत ही छोटे बनके, उनके छोटे बच्चे बनके हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे ही अगेंस्ट क्यों एक्शन, क्यों मध्य प्रदेश में ही ये चीज़ क्यों। अदर जगह जहाँ भी सारी डिमांड्स की बात की गई है, वहाँ सारी चीज़ें फुलफिल हुई हैं, पूरी हुई हैं, लेकिन हमें क्या मिला वो आप सब लोगों को पता है। अब कदम तो वो उठा रही है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं अभी भी कि वो मीटिंग की हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर अरविंद मीना जी का भी स्टेटमेंट आया हुआ है, वो एक मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि हमसे एक बार आप मीटिंग कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन पिंडे, में आपके साथ हूं विशाल पांडे। जहां एक तरफ देश में लगातार लोगों की जाने जा रही है, 3,000 से 4,000 के आसपास जो मौतें हैं हर रोज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हो रहे हैं, वहीं देश में कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस जैसे जानलेवा बीमारी अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये लगातार अभी 1,00,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हर रोज आ रहे हैं देश में, वहीं ब्लैक फंगस के भी कई राज्यों में लगातार मामले नजर आ रहे हैं। तो ये जानलेवा बीमारी एक तरफ लगातार अपने पैर को पसार रही है देश में, वहीं जरा दूसरी तरफ सोचिए कि अगर किसी राज्य में डॉक्टर्स अगर हड़ताल कर दें तो फिर क्या होगा, क्योंकि बीमारी तो रुकने वाली है नहीं, बीमारी तो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर इलाज करने वाले भगवान को, भगवान का दूसरा रूप हम कहते हैं जिन्हें डॉक्टर्स, अगर वही हड़ताल पर चल जाए अपनी कुछ मांगों को लेकर, तो फिर उस राज्य की स्थिति क्या होगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में डॉक्टर्स ने हड़ताल किया और हड़ताल के बाद इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, जरा सोचिए, और ये 1, 2, 3, 4, 100, 500 डॉक्टर्स नहीं बलकि हजारों में, लगभग 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश राज्य में इस्तीफा दे दिया। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया, उनकी क्या मांगे हैं। लेकिन चलिए ब्रीफ में आपको बताते हैं, सबसे पहले संक्षेप में, शुरुआती में, कि डॉक्टर्स की एक ही मांग है कि हमारा जो स्टाइपेंड है, जो हमें पैसे मिलते हैं, उनको बढ़ाया जाए। जी हाँ, और सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया। हाई कोर्ट ने डॉक्टर से कहा कि देखिए, आपको 24 घंटे के अंदर अपने ड्यूटी पर वापस जाना होगा, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जिसके बाद डॉक्टर्स का पूरा समूह है, वो सामूहिक जो है इस्तीफा डॉक्टर्स ने दे दिया, और लगभग पूरे राज्य में 3,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं, 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं और कई अस्पताल हैं। और इन अस्पताल में अगर जूनियर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो फिर कैसे राज्य की व्यवस्था चलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना महामारी के जो मामले हैं वो तेजी से आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन से कुछ कम हुए हैं मामले, लेकिन जरा सोचिए कि अगर डॉक्टर्स ही ना हो अस्पताल में तो फिर मामलों में तो तेजी आ ही सकती है ना। तो ऐसे में डॉक्टर्स की मांग सरकार क्यों नहीं मांग रही है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और डॉक्टर्स के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, इनका समूह जो है, इनकी क्या मांगे हैं, एक तो स्टाइपेंड है और क्या मांगे हैं इनकी, क्या ये कह रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी पर, हमने तैयार किया है एक स्पेशल रिपोर्ट। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट, और जानिए क्या आखिर जूनियर डॉक्टर्स का पूरा समूह जो है, लगभग 3,000 डॉक्टर्स राज्य में है, 3,000 डॉक्टर्स ने क्यों सामूहिक इस्तीफा दे दिया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा ने कहा कि राज्य के सभी जूनियर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें पहल करनी चाहिए और हड़ताल को खत्म कराने का प्रयास करना चाहिए। जूनियर डॉक्टर सरकार से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जूनियर डॉक्टरों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मीणा ने सरकार पर अनावश्यक दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर यह दबाव की रणनीति आगे जारी रही तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे और उन्हें अन्य लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जाएगी। प्रदेश इन दिनों कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस जैसे संकट से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है।
इस मसले पर मीना का कहना है कि लगातार डॉक्टर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसकी बात को जो है वो सुन लिया जाए, हड़ताल को खत्म कराने की पहल करें, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार की क्या जिद है। वहीं बता दें कि राज्य सरकार ने स्टाइपेंड में 17% की बढ़ोतरी के साथ मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ोतरी का वादा किया है। वहीं हड़ताल को अवैध करार देते हुए हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का पंजीयन निरस्त करने की भी बात कही है। तो देखा कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे ऊपर सरकारी दबाव बनाया जा रहा है, अगर ऐसी दबाव बनाया जाता है तो हम सड़क पर भी उतर सकते हैं। उनकी मांग सरकार मान ले, वो सरकार से बातचीत करने को भी तैयार हैं और स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए, यही उनकी मांग है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचती रहें। और इस जो हमारा विषय है आज का, ये जूनियर डॉक्टर्स ने जो इस्तीफा दिया है सामूहिक रूप में, तो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट के माध्यम से, जरूर दें प्रतिक्रिया, फीडबैक जरूर दें, कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि देश में कई राज्य ऐसे हैं जिनकी क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने यही अपील की है कि राज्य के मुखिया हैं और उनको हमारी मांगे मांगनी चाहिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।